गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.6। तो आज हम क्लास 10th के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हमारे पास इस जो 3.6 के अब क्वेश्चन रहते हैं वो सारे के सारे अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो हम अब स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट लिखा अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। दोबारा से प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, एक हॉस्टल चार्ज है उसमें फिक्स चार्ज है। द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अ डे वन हैज टेकन इन अ फूड मैस। व्हेन अ स्टूडेंट एट एक फूड फॉर 20 डेज सी हैज टू बाय 1000 हॉस्टल चार्ज वेयर हैज स्टूडेंट बी हू टेक फूड हैज 26 डेज पे 1180 रुपीज एज होस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमारे पास जो कॉस्ट रहता है मंथली चार्ज के वो एक्स दिया है। तो होस्टल का जो चार्ज रहता है तो हम लिखेंगे लेट लेट मंथली फिक्स चार्ज जो रहेगा वो एक्स रहेगा और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो पर डे कॉस्ट रहेगा फूड का वो वाई रहेगा। तो एक एक्स आ गया एक वाई आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारे पास एक्स था और 20y हमारे पास x था और 20y था वो 1000 के बराबर। दूसरी बार भी फिक्स चार्ज ही रहता है। अब वो डेज हो जाते हैं 26 तो 110 तो उसके जो रुपीज आए 110। अब मुझे क्वेश्चंस करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी हम पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं। हम राइट करेंगे पहले एक्स वाई हमने हम एक्स लिख लिया वाई लिख लिया एंड वन लिख लिया। तो एक्स के जो वैल्यूज थे वो हमने लिख लिए बी के सी के वैसे करके जैसे हमने वो टेबल बनाया था। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको इससे तो मैं लिखूंगा 20 और मल्टीप्लाई में 1180 माइनस 26 ब्रैकेट में और 1000। वैसे ही नेक्स्ट 1000 मल्टीप्लाई 1 तो सबको पता है 1000 ही आया माइनस तो माइनस 1180 और यहां 26 माइनस 20। जैसे ये राइट किया तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके राइट कर देंगे। हमने सॉल्व कर लिया तो हमने सॉल्व किया तो सब्सट्रैक्ट भी कर लिया और आंसर भी राइट कर लिया। तो अब हम इसके बाद दोबारा से एक्स वाई और वन के वैल्यूज राइट करेंगे। तो जो एक्स का वैल्यू आता है हमारे पास वो आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू एक्स एक्स के से जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 3600 से तो हमारे पास आ जाएगा 2400 वाई अपॉन। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1180 माइनस 1000 करेंगे 180 बचेगा और 1/6 आ गया। दोबारा से फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर किया एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो आ गया एक्स इक्वल टू 2400/6। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 800। सॉरी 400 आ गई एक्स की वैल्यू आ गई 400। अब जो नेक्स्ट जो आएगा y इक्वल्स टू 180 1/6 मैंने कट कर दिया 30
वाई की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x की वैल्यू आई 400 एंड y की वैल्यू आई 30। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ यही खत्म हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन भी इसी के जैसा है पर वो फ्रैक्शन बेस्ड है। हमारे पास क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द इट्स डिनोमिनेटर फाइंड द फ्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है, हम जो डिनोमिनेटर है उसको x एंड डिनोमिनेटर को y, तो इसी का जो सेकंड पार्ट है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हम फ्रैक्शन जो n होगा उसको x मान लेंगे और d को y, तो लिख सकते हैं तुम लोग एट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू x, द फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आ गया x अपॉन y, जैसे ही x अपॉन y आया तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन के बाद उसके कंडीशंस लगाए। कंडीशंस में हमारे पास उसने बोला कि पहले सब्सट्रैक्ट करो और जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो 1/3, तो इससे मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब जो सेकंड रहता है सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 8, अब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना था तो डिनोमिनेटर में जैसे ही ऐड किया तो 1/4 आ गया, 1/4 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 8 आया तो आ गया हमारे पास 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, अब डायरेक्टली मैं इक्वेशन नंबर 1 से a1 की वैल्यू आती है हमारे पास 3, b1 की वैल्यू आती है -1, c1 की आती है -3 और a2 b2 और तो a2 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू आ गई 4 और b2 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -1 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। हमने वैल्यूज लिख लिए, अब वैल्यूज राइट करने के बाद जैसे हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते थे वैसे ही लगाएंगे, पहले लिखते थे bc माइनस bc 12 21, फिर जैसे ही bc राइट किया तो हमने इसी के बाद साथ में ही हमें राइट करना है ca माइनस c, तो 12 20। अब जैसे ही ca लिखा तो हमें अब a के बाद क्या आता है, a राइट करना है, दोबारा b राइट करना है, ab 12 और 20, तो ये याद करने के लिए सबसे आसान है 12 21 करके। अब वैल्यूज पुट करेंगे, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा, मैंने b1 c2 को मल्टीप्लाई किया, b1 माइनस का है c2 8, तो 8 माइनस, तो b2 कितना है माइनस का 1 c1 3, तो 3 y क्या आ गया, देखो दोबारा से c1 3 और ए टू 4, तो 3 × 4 दैट इज -12। अब जो नेक्स्ट जो रहेगा इसके बाद हमारे पास वो आ जाएगा -2, तो माइनस का 8 है a1 3, तो माइनस का 24 प्लस हो गया, यहां माइनस था इसलिए प्लस किया, a1 b2 a1
बी टू माइनस थ्री ए टू बी वन, ए टू बी वन माइनस ए माइनस का फोर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स अपॉन फाइव, तो ट्वेल्व से हम जब 24 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बड़ी टर्म का साइन प्लस, तो 12 और 1 की वैल्यू दिख रही है सबको गई 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे प्लस होगा तो क्या आएगा 4, एक माइनस किया 1, तो एक्स की वैल्यू 5 आती है, वाई की वैल्यू 12 आती है। हमारा आंसर इसी के साथ यही निकल गया है। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री में मैं बस इक्वेशन ही बनाऊंगा, उसके बाद आप कुछ सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर थ्री रहता है उसमें लिखा है यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन deducted for incorrect answer. Then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो उसके टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे वो निकालने हैं हमें। हमने राइट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन को x माना, रॉन्ग आंसर को y माना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, हमारे पास जो फर्स्ट था वो 3x माइनस y, उसने तीन क्वेश्चन सही किए तो एक गलत हो आए, इक्व 40 आया। तो इसको सॉल्व करेंगे 3x माइनस वाई माइनस 40 0 1 आ। तो इसी की दूसरी इक्वेशन जो रहती है हमारे पास वो 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50 आ गया 50। तो हम दूसरी साइड लेके जाएंगे 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल्स टू 0 और ये आ गया हमारे पास। ये तुम्हारा होमवर्क रहता है, इसको आगे सॉल्व करना है। थैंक यू।